अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप देखेंगी बहुत ही खूबसूरत प्यारे प्यारे बेबी ड्रेस डिज़ाइन आइडियाज। आप समर सीजन में इस तरह के इजी इजी से कुर्ता हो, कुर्ती हो, फ्रॉक हो, शर्ट हो, किसी भी टाइप का आप डिज़ाइनर ड्रेस बनाना चाहती हैं तो आप इस तरह की वीडियोस को देखें और डिज़ाइनिंग को फॉलो करें, क्योंकि आपको डिज़ाइनिंग देखते ही अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी बेबी पर किस टाइप का, किस डिज़ाइन का ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप मार्केट से कोई भी ब्रांडेड कॉटन लॉन ले सकती हैं। आजकल तो मार्केट में वन पीस में बेशुमार प्रिंट आए होते हैं, जिन्हें हम बेबी प्रिंट या लेडीज़ के लिए, बड़ी वुमेंस के लिए जो ड्रेस लेते हैं कि हम वन ही प्रिंट टू पीस में लें, यानी शलवार कमीज़ एक जैसी, बड़ी लेडीज़ पर अच्छे लगते हैं, डिसेंट सी लेडीज़ पर, तो हम सोचते हैं वही प्रिंट ले। तो बेबीज़ के लिए भी छोटे प्रिंट लेना पसंद करते हैं ताकि वो ग्रेसफुल लगें, प्यारी लगें, क्योंकि बेबीज़ के ड्रेस उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होने चाहिए। ईद आने वाली है, ईद पर तो आपकी कोशिश होगी कि फैंसी और प्यारे प्यारे डिज़ाइनर लुक वाले ड्रेस हों। ये कैजुअल ड्रेसेस भी हैं, ईद पर भी पहना सकती हैं, इन्हें आप कोई भी लुक दे दें, किसी में फैंसी लेस लगा दें, गोटा वर्क करवा लें, मिरर वर्क करवा लें, तब भी ड्रेस खूबसूरत लगेगा। कॉटन लॉन प्रिंटेड हो, प्लान हो, उस पर आप फैंसी लुक दे के भी उसे ड्रेस बना सकती हैं, क्योंकि ईद पर भी ये तमाम कॉटन लॉन के ड्रेसेस बेबी पर बहुत अच्छे लगते हैं। बेबी कंफर्टेबल रहती हैं, इजी फील करती हैं, ख़ास तौर पे लॉन कॉटन के ड्रेसेस में। खुले खुले झबले, खुली खुली कुर्ती, अंगरखा, फ्रॉक्स, जितना ज़्यादा खुला होगा बेबी उतनी कंफर्टेबल रहेगी, लेकिन नेक लाइन हमेशा शॉर्ट बनाया करें, बैक साइड पर स्लिट खोल लिया करें, बटन के ज़रिए, लूप के ज़रिए, जिप के ज़रिए, ताकि बेबी को जब आप नेक लाइन पहनाएं तो वो इजी फील करे, क्योंकि छोटी बेबीज़ के नेक लाइन कम से कम छोटे बनाएंगी तो बेबी अच्छी फील करेगी। स्लीव्स का इशू नहीं है, स्लीव चाहे आप छोटी लगाएं, बड़ी लगाएं, हाफ लगाएं, स्लीवलेस बनाएं, छोटी बेबीज पर सब कुछ अच्छा लगता है। आपकी मर्जी भी शामिल होनी चाहिए, आपकी बेबी की मर्जी भी शामिल होनी चाहिए कि वो कैसा ड्रेस बनवाना चाहती है। तो इसी तरह से हम अपने व्यूवर्स को अपने चैनल में कटिंग स्टिचिंग की वीडियोस भी देते हैं, साथ साथ डिज़ाइनिंग आइडियाज़ भी, क्योंकि मैं सेल नहीं करती, सिर्फ अपने चैनल पर वर्किंग करती हूँ, कटिंग स्टिचिंग की आइडियाज़ वीडियोस देती हूँ। आप हमारे पेज खुशी मकबूल और इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ भी आपको कटिंग स्टिचिंग की वीडियोस भी मिलेंगी, डिज़ाइनिंग और आइडियाज़ भी बहुत सारे मिलेंगे। कोई भी कमेंट्स करना और राय देनी हो, कोई बात पूछनी हो, आप बेशक पूछ सकती हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी। कटिंग स्टिचिंग से मुतलका कोई बात आपको मसला है लेंथ विड्थ का तो आप पूछ सकती हैं, और इंस्टाग्राम पेज पर भी और फेसबुक पेज पर भी। तो मेरे चैनल का लोगो जो है वही मेरे पेज का लोगो है, तो आप इस बात को मद्देनज़र रखिएगा और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बाज़ औक़ात हमारे कुछ व्यूअर्स बेल प्रेस नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, तो हम अपनी हर वीडियो में उन्हें आगाही देते हैं। बेल को प्रेस करते ही तीन ऑप्शन आते हैं, आपने सबसे ऊपर ऑल के ऑप्शन को प्रेस करना है ताकि बेल प्रेस हो सके और आप हमारा नोटिफिकेशन देख सकें, क्योंकि इस तरह से आप टाइम पर वीडियो देख पाएंगी और हमें आगाही अपनी राय से देते रहा करें। आपकी मर्ज़ी के कौन कौन से टॉपिक हैं, हमें आपके लिए कौन सी वीडियोस अपलोड करनी चाहिए, तो इस तरह से आपकी आगाही राय मिलती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और हमारी कोशिश होती है हम आपकी राय के मुताबिक वीडियोज़ बनाएँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट मैं हमेशा ही करती हूँ, राय भी दीजिएगा, अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह पाक पूरी दुनिया को हर तकलीफ, हर परेशानी, हर बीमारी, हर दुख से हमेशा हमेशा के लिए हम सबको भी बचा कर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो भी हम सब जितने भी दुनिया में इंसान है, अल्लाह हम सबको सेहत वाली, नमाज रोज़े वाली ज़िंदगी, हमेशा हमेशा सेहत वाली, नमाज रोज़े वाली ज़िंदगी अता फरमाना, आमीन सुम्मा आमीन। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें आमीन सुम्मा आमीन लाजमी कहा करें,
हो सकता है आपकी आमीन से सबकी दुआ कबूल हो जाए। तो इसीलिए अपना, अपनी फैमिली का, सबका, जो भी आपके अपने प्यारे, सबकी दुआओं में सबको याद रखा करें।